पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम रुख कर रहे हैं। सरोवर जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, हिंदू भाई तिरुपति जाते हैं, लेकिन 1947 से 70 साल में सिख अपने मक्के नहीं जा सके। वी आर फॉरबिडन, हमें मनाही है। हर रात हम अरदास करते हैं, हर सिख अरदास करता है कि विछड़े गुरता मां दे, खुले दर्शन दीदारे दें परमात्मा। प्लीज अलाउ अस टू गो टू करतारपुर। एंड व्हाई करतारपुर? बिकॉज आखिर के 18 साल बाबा नानक ने करतारपुर साहब में गुजारे, खेती की, किरत करनी सिखाई, नाम जपो वंड छको उसकी प्रेरणा दी, हर एक जर्रे के साथ उनकी याद जुड़ी हुई है। दस हजार प्लस सिंधी, पंजाबी और जो विदेशों में पंजाबी सेटल्ड हैं, इनफैक्ट एवरी इंडियन वांट्स टू गो टू करतारपुर साहब। अमिताभ बच्चन साहब, दरबार साहब आते हैं, उनके बेटे ने अब अमृतसर में वहां फिल्म बनाई है, वो हर दूसरे दिन वहां जाया करते थे। सारा जहान जुड़ा है बाबा नानक के साथ। खलके खुदा, ही वॉज पीपल्स मसीहा, लोगों के नाल छोटियां छोटियां चीजों के नाल जुड़े हुए सी बाबा नानक। सेहत देने वाले सी, चानण मना रहे सी। मैं हुण असली गल दे उत्ते आ रहा। इन्हां कारणां करके ये साडा फर्ज बनता, इंडियन गवर्नमेंट का फर्ज बनता कि इन्हां 10 करोड़ नानक नाम लेवा भगतां दे लई ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦ ਡਰਾਫਟ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ। ਮੈਂ ਡਰਾਫਟ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੂੰ और मैं चिट्ठी लिखूंगी। आई एम होपिंग फॉर अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। वेखो रस्ता उधर है, जगह उन्हां दी है, जाना असी। इस करके अगर ये रिक्वेस्ट इधरों चली जाती है और उधरों जो कुछ होया है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਲਈ, ਖਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਰੀਐਟਰੇਟਿਡ, ਆਈਲ ਰੀਐਟਰੇਟ ਅਗੇਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। मान और सम्मान कदे उन्हें नहीं मिलिया जिन्हें यदि इच्छा की थी। और देखिए, करतारपुर कॉरिडोर मामले पर अभी नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं इसी मामले पर। कि स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल होने के लिए एक फैसला लिया। जब कांग्रेस मंत्री ने यह फैसला लिया तो देशवासियों को ये सुन के बड़ा धक्का लगा और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हरेक को ये महसूस हुआ कि जब एक तरफ हजारों की गिनती में हमारे बेकसूर और हमारे जवान वो दुश्मन देश रोज शहीद कर रहा है तो ऐसी है। अब क्रिकेट टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक मेंबर तो होता नहीं है क्रिकेट टीम में,
बाद में पता लगा कि दूसरे भी तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जी को, कपिल देव को, कईयों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी ने अपने देश की भावना को देखते हुए दुश्मन को पीछे रख के देश को आगे रखा। लेकिन एक कांग्रेस के मंत्री ने अपनी दुश्मन देश की दोस्ती निभाने के लिए अपने देश को पीछे छोड़ के बॉर्डर पार चले गए। चलो, देशवासियों में नाराजगी तो थी, लेकिन इसको सोचते हुए कि पर्सनल इनका है तो पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं, और इधर से पॉलिटिकल क्लियरेंस उनको पर्सनल कैपेसिटी में मिल गई। लेकिन देशवासी हैरान रह गए कि उधर स्वेरिंग इन सेरेमनी में एक सेकंड में जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ, उस जर्नैल, पाकिस्तानी जर्नैल के साथ जो रोज हुक्म देता है हमारे जवानों को शहीद करके गले काटने के लिए, रोज जो हुक्म देता है, उनको मिलते सारी उनको जफ्फी उनके गले पर गले लगा लिया। और ये ऐसे देशवासियों के भावनाओं पे नमक छिड़कने का क्या, ये रोज किसी से बर्दाश्त नहीं किया गया कि हमारा कांग्रेस का मंत्री, इस देश का कांग्रेस का मंत्री जाके दुश्मन को, उस जनरल को गले लगाए जो जनरल रोज माओ के बेटों को, जवानों को, हमारे लोगों को कत्ल करने के हुक्म देते हैं। तो इसका जब रोज प्रकट हुआ और ये कांग्रेस मंत्री ने देखा कि कैसे कितने बड़े तादाद से लोग नाराजगी दिखा रहे, जब वापस भी आ रहे थे, जब वापस अपने पंजाब वापस आए तो काली झंडियों से उनका स्वागत किया गया, कोई एक इंसान ऐसा नहीं था, सारा नेशनल मीडिया इससे नाराज था कि दुश्मन देश से आप पहले जाते हैं और उसके बाद उसको गले लगाते हैं जो हमारे लोगों को, मतलब ये तो आप दुश्मन के हैं कि अपनों के हैं, इतनी बड़ी गद्दारी देश के साथ कौन कर सकता है। तो मुझे हैरानी इस बात की हुई कि एक इंसान अपनी गलती को छुपाने के लिए देशवासियों से माफी मांगने के बदले ऐसी भावनाओं से खेलबाड़ किया कि जाने के टाइम कोई इसकी चर्चा नहीं, कोई स्वेरिंग में किसी से मिलता है तो वो एक सेकंड में, अभी नई सरकार बनी भी नहीं है, नए प्रधानमंत्री ने उस देश के ये फैसला किया नहीं किया, कोई फैसला ही नहीं लिया क्योंकि स्वेरिंग इन नहीं हुई है, और इनको कोई चीज कन्वे कर दी गई, आके हिंदुस्तान में बोलते हैं कि मैं गले जर्नैल बाजवा, जो पाकिस्तान के जर्नैल के गले इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने बोला कि करतारपुर कॉरिडोर, जो एक सिखों की एक धार्मिक भावना के साथ बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, कई सैकड़ों सालों से ये मांग रखी गई है कि जहां गुरु नानक देव जी के स्थान है वहां पे ये कॉरिडोर खोला जाए और श्रद्धालु को आना जाना की मंजूरी दी जाए, लेकिन किसी पाकिस्तानी सरकार ने आज तक इसमें कोई हाथ, कोई पल्ला नहीं फड़ाया, कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन ये कांग्रेस के मंत्री आते सारी कहते मैं तो गले लग गया क्योंकि मुझे देखते ही जनरल ने कह दिया कि तुमको ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने का हमने फैसला कर दिया है। बहुत वाहवाह उनको मिली सिख कौम में, इतनी खुशी की लहर कि वो दुश्मन देश गए सब भूल गए। लेकिन जैसे समय निकलते गया, जब देखा कि कोई उनकी तरफ से कोई कागज नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, जो मंत्री गए थे वो भी कुछ दिखा नहीं था, बस हवाई बातें, तो सिखों में क्योंकि 550 साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आ रहा है और सब में ये भावना कि ये अब उन्होंने हाथ बढ़ाया है खोलने के लिए तो हमारी सरकार कुछ करे और खुलवाए और हमको ये दर्शन दिए जाए। तो जब कोई बात कुछ आ गई, वो कोई कागज पत्थर ये कांग्रेस मंत्री दिखा नहीं सके, लेकिन अपने सियासत को चमकाने के लिए बयान के ऊपर बयान के ऊपर बयान, लेकिन कागजी कार्रवाई कुछ भी नहीं। तो मैंने पिछले हफ्ते 13 तारीख को सुषमा जी को एक चिट्ठी लिखी कि मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आई हैं और ऐसे दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार मंजूरी दे गई है करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए और हमारी सरकार इसके बारे में कुछ कर नहीं रही है, तो आप जरा इससे मुझे इनलाइटन करिए कि क्या पाकिस्तानी सरकार से, जो हम श्रोमणी अकाली दल स्टार प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने विधानसभा में भी रेजोल्यूशन पास कर दिए, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारों ने रेजोल्यूशन पास किए, मैंने सब अटैच कर दिए कि कितने सालों से हमारी ये मांग है और आप भी जानती हैं, क्या इसमें कोई बातचीत आगे बढ़ी है और आप इसको जल्द से जल्द इसको आप करवाने में अपना योगदान डालिए क्योंकि ये खबरें आई हैं। मेरे तो कल पैरों थले जमीन ही हिल गई जब मुझे शाम को सुषमा जी की ये चिट्ठी मिली जिसमें सुषमा स्वराज जी, जो देश के इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।